अस्सलाम वालेकुम कहनीज, वेलकम टू बेंच पे रस्मा। तो ये जो आपके सामने मज़ेदार सी ट्रे आपको नज़र आ रही है तैयार हुई, ये है रशियन सैलड की। तो चलें इसको बनाते हैं। इंग्रेडिएंट नोट करें तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो ली है, यहाँ पर ये वाइट पेपर है। वाइट पेपर मैंने 1/4 टीस्पून ली है, हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है। यहाँ पर मैंने कैस्टर शुगर ली है, कैस्टर शुगर ऑलमोस्ट 5 to 6 टेबल स्पून है। यहाँ 2 कप मैंने लिया है मेयोनीज, और ये मैंने 100 ग्राम पास्ता लिया है। और इसके बाद हमने लिए हैं ये गाजरें, जिनको मैंने सिर्फ एक गाजर ली थी, उसको चॉप करके ब्लांच कर लिया हुआ मैंने। और मैंने मटर 1/2 कप लिए थे, उसको भी मैंने ब्लांच किया। और यहाँ पे मैंने गोभी ऑलमोस्ट 1.5 कप ली है। और यहाँ पे मैंने क्रीम ली है नेस्ले की 300 ml। और यहाँ पे आगे हमारा 1 कप हमारे आगे एप्पल्स, और यहाँ स्वीट कॉर्न आ गए ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स। और यहाँ मैंने पोटैटोज लिए हैं, 1.5 कप मैंने पोटैटो लिया है, और 1 कप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और यहाँ मैंने पाइन एप्पल लिया था। ओके, तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये मैंने चॉप किया हुआ है, बहुत लाइक मिनी साइज मैंने चॉप किया हुआ है। ठीक है, आप ये देखिए, स्क्वेयर करते हैं, मिनी स्क्वेयर कट। सब चीज़ों को मैंने चॉप किया हुआ है बहुत अच्छे से, गाजरों को भी और हर चीज़ को। ठीक है, और अब हम इसको असेंबल करेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो चलें असेंबल करते हैं इनको। यहाँ पर मैंने स्टील का एक बाउल ले लिया है, मेरे लिए ये कन्वीनियंट था क्योंकि काफ़ी खुला था। आप ग्लास का या जो भी आपको जो चीज़ कन्वीनियंट लगे आप उसमें मिक्स कर लें। यहाँ मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूंगी, 2 कप्स में क्रीम ऐड कर सॉरी मेयोनीज ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने मेयोनीज इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसके अंदर 5 टेबल स्पून में कैस्टर शुगर ऐड करूँगी, बाकी अगर जरूरत पड़ेगी मैं बाद में और ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर इसके अंदर जाएगी वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, और ब्लैक पेपर जाएगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून। अच्छा, रशियन सैलड में सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट होती है, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालूंगी, लाइक 1 to 3 pinch। यस, और यहाँ पर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम के अंदर मैंने ऑलमोस्ट कोई 5 to 6 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी को मैं पतला कर लूँ। ओके, ये देखिए, अच्छे से मुझे इसे मिक्स करना है। आप क्रीम के अंदर ऐड करो या वैसे करो, अप टू यू। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर हम मिक्स करने के बाद फिर हमें बाकी सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। और अगर आपको कंसिस्टेंसी इसकी थिक लग रही है तो इसके अंदर थोड़ा मिल्क डाल के आप कर सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट पे आप टेस्ट कर लें और सब चीज़ें मिक्स कर लें, तब भी आप टेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ भी मैंने पास्ता इसके अंदर ऐड कर दिया है, पास्ते को मैंने छोटा कट कर लिया था खुद ही। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे ये पाइनएप्पल का मैंने 1 टिन लिया था। और यहाँ पे हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे पोटैटोस। देखिए, मैं सारे पोटैटोस ऐड नहीं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 कप के करीब मैंने ऐड किए हैं। अब इसके अंदर जाएगा, ये जाएगी बंद गोभी। ओके, बंद गोभी इसके अंदर चली गई है। अब इसके अंदर जाएंगे एप्पल भी 1 कप थे, और ऑलमोस्ट हमारी एक ही गाजर मैंने ली थी, ज़्यादा मैंने गाजर नहीं ली थी, ब्लांच करके मैंने ये इसमें डाल दी है। अब इसके अंदर और बाकी तो जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इसके अंदर हमने ऐड करने हैं, और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। ओके, तो ये आ गए हमारे मटर। मटर हमारे ऑलमोस्ट 1/2 कप ही हैं, और ये बॉयल्ड हैं। ओके, और ये आ गए हमारे स्वीट कॉर्नस, ये चले गए इसके अंदर, ऑप्शनल हैं, डालने नहीं डालने मत डालने के शक, टोटली ऑप्शनल। और अब ये देखिए, हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स आपको अच्छे से करना है, और करके अगर आपको लगे क्रीम वगैरह कम है या कुछ है तो थोड़ा बहुत और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रीम रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत कम क्रीम रखना पसंद करते हैं। ये टोटली आप पर है कि आपको कितनी उसका मतलब आपको कितनी क्रीमी चाहिए ये। ओके, कुछ बहुत ज़्यादा क्रीमी करते हैं, कुछ बहुत कम क्रीमी करते हैं। ये देखिए, ये मेरी मिक्स हो गई है अच्छे से, और ये मेरी कंसिस्टेंसी है, आप देख लें इसकी। अब मैं इसे बाउल में डालती हूँ। यहाँ मैंने एक ग्लास की डिश ले ली है, जिसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। ये देखिए, बहुत मज़ेदार सी रशियन सैलड बनके ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। इसको हल्का सा गार्निश करेंगे हम। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वो पास्ता पड़ा हुआ था वो डाल दिया, और गाजरें पड़ी हुई थी थोड़ी सी वो डाल दी हैं। तो यहाँ ये मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, मज़े का नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे लेटस ऐड कर दूँगी। ठीक है, सलाद के 2-3 पत्ते ऐड कर देंगे। और ये हमारी, ये देखिए हमारा ये बनके रेडी हो चुका हुआ है रशियन सैलड। तो आप बनाएं और मुझे बताएं कैसा बना है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।